भाजपा को गोबर खरीदने की जरूरत नहीं, जनता अपने आप खिला देगी। आम आदमी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा केजरीवाल की नकल करने से काम नहीं बनेगा, खट्टर साहब को केजरीवाल से ट्यूशन लेनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने भाजपा के घोषणा पत्र दी है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने घोषणा पत्र को जुमला पत्र करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा पहले अपने 2014 के घोषणा पत्र का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करे। वहीं नवीन जयहिंद ने चुनाव प्रचार के दौरान फरसा ले जाने पर चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्या कानून व संविधान की पालना चुनाव के दौरान व पहले अलग दृष्टि होती है। उन्होंने सीएम के फरसे वाले बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का ये दोगला व्यवहार स्पष्ट दिख रहा है। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि अगर अब सरकारी स्कूल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक कितने सरकारी स्कूल व अस्पताल बंद हुए हैं ये बताए सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता दें कि हरियाणा में लाठी चार्ज नहीं गोली चार्ज हुई है, जिसमें सरकार की तानाशाही के कारण 100 से अधिक लोगों की जान गई है। खट्टर सरकार ने पत्रकार, गेस्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर, कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी सहित कर्मचारी वर्गों पर जमकर लाठियां भांजी हैं। K9 मीडिया के लिए रोहतक से विकास ऑनलाइन की रिपोर्ट। याद दिलाते रहेंगे अकबाई भूलियो मत ना, जिस तरह से खट्टर साहब ने ये काम करा था उस तरह भूलियो मत ना, और याद दिलाओगे हम तो भी एक घमंडी मुख्यमंत्री सरेआम गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, तो हम तो याद दिला रहे हैं, तो हम याद दिला रहे हैं, तो याद तो हम दिलाओगे इसमें को। क्योंकि जी नवीन, आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और बहुत से लुभावने वायदे बीजेपी की तरफ से उस मैनिफेस्टो में किए गए हैं। देखिए, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, तो सबसे पहली बात यह है कि जो 2014 का मैनिफेस्टो था उसको लेकर बैठते, रिपोर्ट कार्ड देना था, इन्हें मैनिफेस्टो बाद में देते कि पिछले 2014 में इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उस मैनिफेस्टो के अंदर जो जो चीज थी, करीब 150 वादे थे, को डेढ़ भी पूरा नहीं हुआ। तो अब ये मैनिफेस्टो जिस तरह का जो इन्होंने मैनिफेस्टो दिया, ये एक जुमला पत्र है, टोटल इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि पिछला जो मैनिफेस्टो उसको छुपा दिया। अब इनकी हिम्मत पिछला मैनिफेस्टो पढ़ने की इनकी हिम्मत थी नहीं, नहीं तो रिपोर्ट कार्ड पेश करते कि हमने ये वादे करे थे पिछली बार, ये हमारा मैनिफेस्टो था और ये इसमें से कर दिए। कुछ नहीं कर रहा क्या भाई साहब मैनिफेस्टो में इन्होंने, और नकल कर रहे हैं। अब एक बात तो ये कह रहे हैं स्कूल ऐसे बनाएंगे, हॉस्पिटल, अरे 5 साल की थे, 5 साल में बनाए गए ना, कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्पिटल बंद हुए हैं, स्कूल हॉस्पिटल बंद कर दिए गए हैं, तो अब कौन सी नई उसकी बात कर रहे हैं, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो भाई। तो हम तो लोगों के बीच में ये, अब इन्होंने कहा कि जो भी जहां पर शहीद होगा तो उसको उसकी मूर्ति बनाओगे, अरे मूर्ति की जरूरत ना, 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को दे दो, उसके बालक पड़ जाओ उसके लिए दे दो, उसका मान सम्मान हो जाए, यही बहुत है। तो जिस तरह का मैनिफेस्टो, इसमें एक इन्होंने डाला है कि गोबर खरीदेंगे। भाई तुम पराली खरीद लो ना पहले, मैं मुख्यमंत्री को बीजेपी की सरकार को पराली फूंक लो ना, किसान ने फूंकनी पड़े है, वह पराली ने खरीद लो, किसान ने फूंकनी पड़े है, नुकसान हो है, वायु प्रदूषण भी बढ़ा है, तो पहले पराली तो खरीदी नहीं जाती, गोबर खरीदने की बात करें, गोबर खरीदने की जरूरत ना है, गोबर तो जनता इनके ना बीजेपी ने उन्हें खवा देगी, कोई जरूरत ना खरीदने की, गोबर जितना भी होगा वो बीजेपी ने जनता खवा देगी। जो काम ढंग के काम थे वो तो कुछ करें नहीं, रोजगार के ऊपर कोई नहीं का, वो नहीं कि रोजगार, ये कह रहे हैं डीसी रेट को हम कड़ाई से लागू करेंगे, इसका मतलब ये है नौजवानों को संदेश है कि डीसी रेट पर 10,000 रुपए की अपनी नौकरी पीटी हो, 2,000 ठेकेदार देने पड़ेंगे, ये काम है। तो जिस तरह से एक बड़ी अजीब इन्होंने कहा है, इनका अध्यक्ष कह रहा है उसको बेराय कौन है, उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मारा लाठी चार्ज नहीं हुआ, अरे हरियाणा में गोली चल रही है, 100 तो फालतू आदमी मारे हैं हरियाणा में 5 साल में गोलियां, तो लाठी की बात कर रहे हैं, अरे लाठी चल रही है तो पत्रकार भी पिटे हैं 10 जगह पे, कर्मचारियों का लठ मारे, गैस टीचर का मारे, आशा वर्कर का मारे, कंप्यूटर टीचर का मारे, सब का लठ मार रखे हैं, वे लाठी नहीं थी गे, तो लाठी नहीं होगा, लाठी चार्ज नहीं, गोली चार्ज हो रही है, तो गोली चल रही है, लाठी चार्ज की कौन सी बात कर रहे हैं, लाठी चार्ज नहीं आता, हरियाणा की जनता पूरी अच्छी रड़ाता जाना है। और भाई साहब ये कुछ इन्होंने जिस तरह दिल्ली में हमने काम कराया उसकी नकल करी है, तो केजरीवाल के काम की नकल करने तय नहीं होगा कुछ भी, केजरीवाल वाले काम करने पड़ेंगे,
और अगर नहीं आते हैं तो खट्टर साहब केजरीवाल तक ट्यूशन ले लें कि जनता के लिए आम आदमी के लिए काम कैसे किया जा सकता है। एक इन्होंने कहा है कि गांव में ठेके नहीं होंगे शराब के। 5 साल किसकी सरकार थी भाई? नेहरू की सरकार थी क्या? 5 साल किसकी सरकार थी? ठेके दुनिया भर के ठेके खोल दिए पूरे हरियाणा में नशा फैलाने के लिए, बताओ। तो ये तो टोटल जुमला पत्र है भाई साहब। और हम तो यही कह रहे हैं बड़ा इनाम देंगे इनने, पुराना 2014 का घोषणा पत्र पढ़ के ये सुना है।